अगर आपको पता चले। राजदीप सर, आप कहीं गाड़ी में मुझे दिख रहे हैं, कहाँ हैं आप, कहीं बाहर वा रहे हैं क्या? देखिए, राहुल गांधी की यात्रा सिद्धांत अब रुक रही है क्योंकि वो छुट्टी ले रहे हैं, तो मैंने भी सोचा मैं भी एक छुट्टी ले लूं। बहुत दिनों के बाद मैं छुट्टी ले रहा हूं, वो भी बंबई में। तो अभी भी मैं फ्लाइट से उतरा हूं, मैं पिछले हफ्ते यात्रा पर गया था जब वो यात्रा राजस्थान से गुजर रही थी, तो इसीलिए गाड़ी में हूँ क्योंकि बंबई शहर है और शहर अपना बंबई है। तो आप देखेंगे मेरे चेहरे पर, मेरे चेहरे पर एक खास मुस्कुराहट है। एक सेकंड, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि राजदीप जी कतर में थे, वहां की राजनीतिक सूरत हाल पे रिपोर्ट करने गए थे। देखिए ऐसा है सिद्धांत, पिछले एक हफ्ते में ऐसा हुआ, बुधवार से शुक्रवार में यात्रा पर था जो राजस्थान में दौसा से वो जयपुर की तरफ जब जा रही थी। हाँ, फिर आपने ट्वीट भी किया था ना, कि आपने ट्वीट भी किया था वो कि आपको उस थोड़ा सा सुबह सुबह दौड़ना पड़ा था माइक एक लेके, ऐसा बताया, तो कुछ उसका मतलब नहीं था नहीं ना? क्या हुआ कि वो हम लोग उठे 4 बजे सुबह, क्योंकि यात्रा निकलती है 6 बजे, बड़े समय पर निकलती है 6 बजे सुबह, तो हम लोग 4 बजे उठे थे, एक छोटे से गांव में रह रहे थे। जब तक हम पहुंचे तो वो VVIP कॉर्डन लग गया था, तो अगर आपको राहुल गांधी या अन्य नेताओं तक पहुंचना था तो आपको थोड़ा दौड़ना पड़ा। ये 6 बजे सुबह या 7 बजे सुबह दौड़ना आसान नहीं होता, लेकिन वो करना पड़ा क्योंकि यार नौकरी का काम है, तो ब्रेकफास्ट थोड़ा पोहा खाके। जनाब एक बात और याद रखिएगा कि एक दौड़ और हुई थी, जनाब कतर के रास्ते में अपना पासपोर्ट घर पे भूल गए थे। अरे बाप रे, ये क्या हुआ था? नहीं, ये ऐसा है, जैसे मैंने कहा बुधवार से शुक्रवार यात्रा पर था, शनिवार की सुबह मैं कतर के लिए निकल गया क्योंकि दोस्त ने एक टिकट ऑर्गेनाइज कर दी थी वर्ल्ड कप फुटबॉल देखने के लिए। तो हाँ, ये सही है कि मैं पासपोर्ट घर पर भूल गया था और मेरी और सागरिका को गाड़ी में दौड़कर आना पड़ा एयरपोर्ट तक, और फिर मुझे मेरा पासपोर्ट मिला। मुझे लगता है कि ऐसा है कि आजकल वो माइंड में नहीं है कि हम किसी विदेश जा रहे हैं, तो ऐसा लगा कि कतर जो है वो भारत का ही भाग हो सकता है, तो शायद इसी वजह से मैंने पासपोर्ट में भूल गया था घर पे। तो 2 दिन कतर में बड़ी आलिशान वर्ल्ड कप फाइनल देख ली, और फिर अब शुक्रवार का दिन है, मैं बंबई आया हूँ 10 दिन की छुट्टी पर, और नए साल का इंतजार करेंगे। राहुल गांधी जैसे मैंने कहा वो भी छुट्टी ले रहे हैं, तो यार कुछ, और पार्लियामेंट भी बंद हो रहा है जल्दी, तो ज्यादा कुछ तो होना नहीं क्रिसमस के इस हफ्ते में। अच्छा, आप भी छुट्टी पे हैं, राहुल गांधी भी छुट्टी में, लोग ये भी कहेंगे कि सौरभ भी छुट्टी पे हैं। अब ये सवाल सिद्धांत ये है, और शायद आदेश या राहुल जानते हो, आप हमारे राहुल जानते हो कि राहुल गांधी जा कहां रहे 8 दिन के लिए? हम तो यहाँ बंबई आ गए हैं, माताजी से मिलेंगे, मेरी बहन आई है बंबई, मेरे बच्चे भी हैं, लेकिन राहुल गांधी कहाँ जा रहे हैं 8 दिनों के लिए? इस पर बहुत अटकलें लगाई जा रही है कि वो किस दिशा में जा रहे हैं, भारत में रहेंगे कहीं और जाएंगे, और एक तरह से यात्रा को एक मिड टर्म या हाफ टाइम हो गया यात्रा में लगता है। जी, तो आप जब गए थे अब भारत जोड़ो यात्रा कवर करने, तो उस दिनों जो आप जब थे उसमें एक पॉज आने के पहले के वक्फे में थे आप भारत जोड़ो यात्रा में, तो उस पॉज आने के पहले क्या कुछ जो कांग्रेस नेता थे वहां पे वर्कर्स थे जो एक कोर टीम का हिस्सा थे, उनसे बातचीत करके उस समय क्या लग रहा था राजदीप सर आपको, कि क्या अपने गोल को कितना अचीव कर पा रहे हैं? क्योंकि अभी चिट्ठी आ रही है, जब कोविड वाली चिट्ठी आ रही है मनसुख मांडविया की, तो उसके अपने अपने पॉलिटिकल मतलब निकाले जा रहे हैं, लेकिन अंदर खाने में क्या चल रहा है यात्रा को लेकर पॉज के पहले? देखिए सिद्धांत, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अगर आप यात्रियों से बात करें या राहुल गांधी के करीबियों के साथ बात करें या कांग्रेस के वर्कर के साथ बात करें, तो वो बड़े उत्साहित है। उनको लगता है इस यात्रा से राहुल गांधी एक बार फिर जनता से कम जुट गए हैं या उनके साथ जुट गए, क्योंकि राहुल गांधी पर इल्जाम लगाया जाता था वो किसी को मिलते नहीं है। यात्रा में कम से कम वर्कर को राहुल गांधी के साथ जो चलते हैं या कोई डिस्ट्रिक्ट का लीडर है वो चलता है, उसको लगता है कम से कम मैं मेरे नेता से मिला हूं, तो वर्कर बहुत उत्साहित है। यात्री तो बहुत ही उत्साहित थे, जो यात्री 120 130 जो परमानेंट एक तरह से यात्री है भारत यात्री, वो बहुत उत्साहित थे। रात को 10 बजे वॉलीबॉल खेलते हैं और सुबह 3 बजे उठ के 3:30 बजे उनका अलार्म लगता है और 6 बजे वो यात्रा करते हैं 25 किलोमीटर। लेकिन जो लीडर थे
उनमें उतना उत्साह नहीं दिखाई दिया, और मुझे लगता है क्योंकि उनको लगता है कि क्या वाकई इस यात्रा से हमें सत्ता मिलेगी। देखिए लीडर जो है पिछले 8 सालों से लगातार कांग्रेस एक हार के बाद दूसरी हार खा रही है, कुछ एक्सेप्शंस है, अभी हिमाचल में जीते हैं या एक दो राज्यों में पहले 2018 में जीते थे, लेकिन एक माहौल लीडरों में है कि क्या हम वाकई मोदी जी और बीजेपी को टक्कर दे पाएंगे, तो उनमें वो उत्साह नहीं दिखा। बड़ा इंटरेस्टिंग है, एक वर्कर से मैं मिलता हूँ, बुजुर्ग था, वो कहता है देखिए राहुल गांधी चल रहे हैं, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च इसी तरह से कही थी। मैंने उनसे कहा सर आप राहुल गांधी की प्लीज तुलना महात्मा से मत कीजिए, लेकिन उनमें वो उत्साह था। लेकिन जो एक मैं कहूंगा कि एक पप्पू की जो छवि बन गई थी वो कांग्रेसियों को लगता है या राहुल गांधी की के जो जो सलाहकार है उनको लगता है उसे कुछ हद तक इस यात्रा ने खत्म किया या दूर रखा है, क्योंकि जब आपको 6 बजे रोज वॉक करना पड़ता है, आप लगातार वॉक करते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों से जुड़ जाते हैं, उनके सवाल उठाते हैं, तो इससे कई लोगों को लगता है कि जो पप्पू की जो इमेज बीजेपी के आईटी सेल ने राहुल की लगाई थी वो कम हुई है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो जुड़ रहे हैं उसमें कई मैं देखता हूं जो ओल्ड और न्यू लेफ्ट यानी पुराने वामपंथी और नए वामपंथी और एक्टिविस्ट लोग बहुत दिखाई दिए, जैसे आनंद पटवर्धन जो फिल्म मेकर थे वो वहां मुझे दिखाई दिए, इसके पहले आपने देखा होगा मेधा पाटकर जैसे लोग, काफी उस पर विवाद भी हुआ। लेकिन जो हम जिसे समझते हैं ओल्ड या न्यू लेफ्ट से यंग लोग जो कई एक्टिविस्ट हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, किसानों की राजनीति करते हैं, ये सब यात्रा से जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए एक स्पेस खुला है क्योंकि उनको लगता है नहीं तो उनकी आवाज कोई सुनता नहीं है, तो कम से कम राहुल गांधी जो है एक तरह से साफ है कि वो अपने आप को एक आइडियोलॉग की तरह लोगों के सामने रख रहे हैं, नेता नहीं आइडियोलॉग। अब कांग्रेस ही जो पुराने हैं उनको ये पचता नहीं है क्योंकि वो तो नेतागिरी में विश्वास रखते हैं, तो क्या जो राजस्थान में अंदरूनी लड़ाई है वो इससे सुलझेगी, उनको लगता है नहीं सुलझेगी। क्या बाकी जो संगठन के प्रॉब्लम्स कांग्रेस में वो सुलझेंगे, नहीं लगता। और एक आखिरी बात, जब मैंने राहुल गांधी को पूछा सवाल कि क्या इस यात्रा को आप क्यों कह रहे हैं कि सक्सेसफुल हुई है, सफल हुई है, और आपका 2024 के लिए क्या आपका क्या एक तरह से इरादा क्या है, क्या किस दिशा में आप पार्टी को लेना चाहते हैं, तो उन्होंने जो मैंने सक्सेस के बारे में पूछा उसका उन्होंने बड़ा लंबा अच्छा जवाब दिया 4 मिनट के लिए कि मैं पॉलिटिकल हिंदुत्व के सामने एक लड़ाई दे रहा हूं, विचारधारा की लड़ाई। लेकिन जैसे ही 2024 की बात हुई उन्होंने कहा नहीं नहीं ये डिस्ट्रैक्शन है, यू आर डिस्ट्रैक्टिंग, ये इसका इसका राजनीति से कोई मतलब नहीं है। देखिए तब प्रॉब्लम होता है, यानी यात्रा का राजनीतिक मकसद क्या है ये क्लियर नहीं है, लेकिन यात्रा ने कुछ हद तक राहुल गांधी की इमेज को एक तरह से आप कह सकते हैं री इन्वेंट किया है, और पप्पू की जो इमेज उनकी एक छवि जो बनी थी उससे वो दूर पार्टी को एक तरह से दूर हटाए। मुझे एक इंटरेस्टिंग लगा कि योगेंद्र यादव जी जिन्होंने मेरे ही प्रोग्राम में 2019 में कहा था कि कांग्रेस जो है उन्हें कांग्रेस को खत्म होना चाहिए, कांग्रेस मस्ट डाई और तभी विपक्ष एक बार फिर उभर कर आएगा, अब वही योगेंद्र यादव इस यात्रा के साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी है वो बिल्कुल। तो उन्होंने मुझे कहा कि देखिए मैं यात्रा से इसलिए जुड़ा हूं क्योंकि मुझे लगता है कांग्रेस ही एक विकल्प है जो बीजेपी को टक्कर दे सकती है, तो कहीं ना कहीं एक बदलाव जरूर आया है उन लोगों में जो पहले कांग्रेस के आलोचक थे, कुछ लोयाइट थे, समाजवादी थे, लेफ्ट के थे, लेकिन क्या इससे वाकई कांग्रेस में बदलाव आएगा इस पर बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि राजनीतिक इस यात्रा का राजनीतिक मकसद क्या है ये क्लियर नहीं है, और ना ही राहुल गांधी किसी भी उस तरह के सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है कि अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट की जो लड़ाई हो रही है उसका क्या होगा, तेलंगाना में जो सवाल है, अन्य राज्यों में आपके सामने सवाल है, सिद्धारमैया वर्सेस शिव कुमार, इन चीजों पर वो ध्यान ही नहीं देना चाहते, तो उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाने की कोशिश की, एक आइडियोलॉग दाढ़ी पहन लगाकर जो एक तरह से पिलग्रिम जिसे कहते हैं एक यात्री की जो उनकी छवि बन गई है, पॉलिटिक्स नजर कम आई, एक इमेज बिल्डिंग ज्यादा समझ में आई आपको, बिल्कुल बिल्कुल।